सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना बड़ा ब्लो दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, कि हर नागरिक, चाहे वो कितना मिस्कीन क्यों ना हो, हर नागरिक को हक है कि बड़ी सी बड़ी संस्था के डिसीजन को चैलेंज करे। हम चाहते थे कि जो डेमोलिशन जस्टिस चल रही है उसमें तुरंत उसको रोका जाए। रूल ऑफ लॉ को दरकिनार करके अब लोगों के घरों को तोड़ने लगेंगे कोई आरोप के बिना पे, ये कैसे हो रहा है? तो हमें उम्मीद हमारी धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। अब वही सुप्रीम कोर्ट तब कह रहा था और आज सुप्रीम कोर्ट जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं को जेल में डलवा रही है, ये कौन सी बात है? क्योंकि अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल को कभी भी हमारे खिलाफ जितना भी अन्याय होगा, और सबके खिलाफ होगा, कोई बचने नहीं वाला है, ऑलरेडी हो रहा है। अब देखिए देश का क्या हाल हो गया है, ना रोजगार है, सेना को ही खत्म कर रहे हैं, तो क्या बच जाएगा हमारे देश में? आपसे ऊपर भी एक न्यायालय है, आपकी जवाबदेही वहाँ होगी और जनता के कोर्ट में आपकी जवाबदेही होगी। अगर हमारा भरोसा आपसे भी उठ गया तो वो उंगली आपके ऊपर आती है और इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। ये तीनों, ये जो संजीव भट्ट और श्री कुमार ने कहा कि मोदी ने खुद एक मीटिंग में ये कहा कि हिंसा होने दो, आप मान लें कि ये साबित नहीं हुआ, मान लीजिए साबित नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साबित नहीं हुआ, क्लीन चिट हो गए, लेकिन ये तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जब ये इतनी ज़बरदस्त घिनौनी हिंसा हुई, औरतें मरी, बच्चे मरे, रेप हुए, पेट काटे गए, और उसमें तो बिल्किस बानो के केस में सज़ा भी हुई है कुछ लोगों को, क्योंकि लोगों ने लड़ाई लड़ी है, आपको तो मानना पड़ेगा कि क्लीन चिट मिल ही नहीं सकती जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं। आप चीफ मिनिस्टर हैं या तो आप टोटली इनकॉम्पिटेंट हैं, और इनकॉम्पिटेंस इतने दिनों तक कैसे चली तीन तीन दिन, कैसे आप गौरव यात्रा के आप बयान दे रहे थे, कैसे आप कह रहे थे कि एक्शन और रिएक्शन होता है, तो क्लीन चिट तो मिल ही नहीं सकती, ये तो क्लियर है। लेकिन हाँ, हो सकता है ये सबूत सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा काफ़ी कि इन्होंने खुद ही कहा कि हिंसा होने दो, वो हम मानने को तैयार हैं, रिस्पेक्टफुली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ पर हम चैलेंज करेंगे हम अपनी राय रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी एनालाइज करने का हमारा हक है। लेकिन जो सबसे बुरी बात है कि उसी जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना बड़ा ब्लो दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, कि हर नागरिक, चाहे वो कितना मिस्कीन क्यों ना हो, हर नागरिक को हक है कि बड़ी सी बड़ी संस्था के डिसीजन को चैलेंज करे। बड़ी सी बड़ी संस्था को चैलेंज करने का डिसीजन हमारे संविधान ने हमको दिया है, ये संविधान हमारा है, हम भारत के लोगों का है, ये कोई पूंजीवादियों का नहीं है, किसी पावरफुल मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर किसी का नहीं है। इसलिए वो हक अगर आज सुप्रीम कोर्ट हमसे छीन रहा है कि आपने अगर 20 साल लड़ाई क्यों लड़ी, आपने गरीबों की मदद क्यों की, उनको अपने आप लड़ने देते, अगर लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कैसे गरीब आदमी कभी भी कोर्ट में जा पाएगा, कैसे भी वो वकील करके, उसके पास ना पैसा होता है, ना लिटरेसी होती है, ना नॉलेज होती है, कभी भी उसको न्याय नहीं मिल सकता है। तो आप ये गुनाह कह रहे हैं कि गुनाह है लोगों की मदद करना, यही गुनाह इन्होंने तीस्ता शीतलवाद के खिलाफ मढ़ा है, और ये सबसे बुरी बात है, ये चीज़ इनको वापस लेनी चाहिए। इसके लिए एक रिव्यू के लिए, मुझे लीगल जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन एक रिव्यू पिटिशन या क्यूरेटिव पिटिशन ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक बात ये है। और इसी चीज़ को इस्तेमाल किया गया, तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होम मिनिस्टर ने किया, तुरंत एक FIR उसी टाइम पे तैयार हो गया और तुरंत उनका अरेस्ट भी हो गया। तो इतनी मतलब कि खतरनाक बात हो गई हमारे देश में कि किसी के लिए न्याय के लिए लड़ना गुनाह है, न्याय के लिए किसी की मदद करना गुनाह है, ये सबसे बुरी बात है। ये कैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया? हमेशा कोर्ट में हार या जीत होती है, ऐसा नहीं है कि जो केस हार गया वो गुनाहगार हो गया, उसके लिए अलग से पिटिशन कोई अगर डालना चाहते हैं डालें, उसी पिटिशन में कैसे ये कह दिया? तो सुप्रीम कोर्ट को ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और ये भी एक मैं बात की मतलब सवाल पूछना चाहती हूँ कि कैसे जजमेंट को जजमेंट माना जाए जब उसमें किसी भी जज के हस्ताक्षर नहीं हैं, किसी भी जज के हस्ताक्षर नहीं हैं। हमें वैसे भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें कम होती जा रही थी, मुझे कहना पड़ेगा, बहुत दुख से कहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हेबियस कॉर्पस पे कोई सुनवाई आज तक नहीं की, जो सबसे फंडामेंटल फर्स्ट राइट होता है सिटीजन का, कि आप जिंदा हैं कि नहीं, आपको प्रोड्यूस करे कोर्ट सामने, है ना, गिरफ्तारी के बाद। हेबियस कॉर्पस पे कोई भी नहीं आज तक सुनवाई ही। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो फंडामेंटल रूट ऑफ करप्शन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। और भी ऐसे कई मामले हैं
जिनके बारे में सुनवाई नहीं हुई। हम चाहते थे कि जो डेमोलिशन जस्टिस चल रही है उसमें तुरंत उसको रोका जाए। रूल ऑफ लॉ को दरकिनार करके आप लोगों के घरों को तोड़ने लगेंगे कोई आरोप के बिना पे, ये कैसे हो रहा है? तो हमें उम्मीद हमारी धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी, लेकिन ये हमें उम्मीद कभी नहीं थी कि इतनी गलत बात यहाँ पे कही जाएगी कि आपको कोर्ट में जाने का हक ही नहीं है। आप कोर्ट में जाएंगे तो आप गुनाहगार हो गए, और इसलिए आगे कितने लोग हिम्मत करेंगे कि हम कोर्ट में जाके लड़े। पहले भी मैं सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना चाहूँगी कि आप ही की सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में कहा था कि जब बेस्ट बेकरी में छोटे छोटे बच्चे जल रहे थे तो फिर जो चीफ मिनिस्टर और जितने भी लोग थे वो नीरो की तरह फिटल बजा रहे थे। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये भी कहा कि हो सकता है आगे जाके गुनाहगारों के खिलाफ केस दब जाएं, ये कोशिश की जाएगी। अब वही सुप्रीम कोर्ट तब कह रहा था, और आज सुप्रीम कोर्ट जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं को जेल में डलवा रही है, ये कौन सी बात है ना? तो ये सवाल हमको पूछना पड़ेगा, और हर नागरिक को पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल को कभी भी हमारे खिलाफ जितना भी अन्याय होगा, और सबके खिलाफ होगा, कोई बचने नहीं वाला है इसमें, ऑलरेडी हो रहा है। अब देखिए देश का क्या हाल हो गया है, ना रोजगार है, सेना को ही ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या बच जाएगा हमारे देश में? इसलिए हमें इकट्ठा होके शांतिपूर्वक अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैम एक सवाल कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट दी गई और उसी टाइमिंग में, उसी सेम टाइमिंग में साजिशकर्ता बता दिया गया तेजता को, इसको किस तरीके से देख? वो तो मैं कह ही रही हूँ कि लगता है कि ये जजमेंट कहाँ लिखी गई, मुझे मतलब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि हस्ताक्षर तो है नहीं, कोई क्लियर करे कि हमने जजमेंट लिखी, हस्ताक्षर हमारा है, वो भी नहीं कोई बता रहा है। तो जिस तरह से पूरा जैसे लगता है कि स्टेट ने ही लिखी है, जो लफ्ज़ है वहाँ पे, जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, और जो ग्रामर है, ग्रामर बिल्कुल ठीक नहीं है इसमें, सब उल्टी सीधी है। मैं तो टीचर हूँ तो हम लोग तो पकड़ेंगे गलतियाँ, तो उसमें जो भी है हमें तो लगता है कि इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, और ऑलमोस्ट जैसे कि टेलीपैथिक तरीके से उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसी वक्त FIR लिखा जाता है, उसी वक्त अरेस्ट होता है, हमें लगता है कि पूरा प्री प्लान्ड एक तरीके से चल रहा है। और मैं अपील करूँगी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट से कि देखिए आपसे भी ऊपर एक न्यायालय है, आपसे ऊपर भी एक न्यायालय है, आपकी जवाबदेही वहाँ होगी, और जनता के कोर्ट में आपकी जवाबदेही होगी। अगर हमारा भरोसा आपसे भी उठ गया तो वो उंगली आपके ऊपर आती है, और इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। बहुत कुछ हुआ है, टायरेंट्स आए हैं, हिटलर ने क्या क्या नहीं किया है ना, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ उसके साथ ना? और जो लोग उसके साथ खड़े हो गए उन लोगों के भी जवाबदेही के, उनको वॉर क्राइम्स के लिए ट्राई किया गया उसके बाद। तो आप नाइंसाफी के लिए मोदी जी को हिटलर मानते क्या? मैं तो कहती हूँ कि काफ़ी आगे जा, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, अगर आप खड़े होकर उनके घरों को डिमोलिश होते हुए देख रहे हैं तो आप हिटलर शाही में लगे हुए। हिटलर ने यही काम किए थे, आप पूरा इतिहास देख लो एक एक करके, कि जूस के फिर घर तोड़े जाने लगे, जूस का रोजगार खत्म कर दिया गया, आप रोजगार खत्म कर रहे हैं, आपने जूस को कुछ कोशर हलाल से रोक दिया था तब उनका रोजगार अफेक्ट हुआ था, आपने जूस और नॉन जूस की शादी बंद करवा दी थी, यहाँ पे वो लव जिहाद करा रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म कर दिया था, आपने स्टॉर्म ट्रूपर्स चला दिए थे जो वायलेंटली आपको दबा के आपकी आवाज़ कुचल के आपको कोई बात नहीं रखने देते हैं, तो वही काम इनकी ABVP करती है। तो जो कदम है वो तो उसी पर चल रहे हैं ये लोग ना, हम तो वही कहेंगे जो हम देखते हैं। और ये क्या 2002 में क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पर नरसंहार हुआ,